ठीक है, हम लोग आज करेंगे सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। ये पहले क्या दो अलग अलग रेगुलेशन थे जिसको इस साल अगस्त में सेबी ने कंबाइन कर दिया। ठीक है, स्टार्ट से शुरू करते हैं। ये पहला पैराग्राफ एक बार पढ़ दो कि ये रेगुलेशन क्यों आए। In exercise of the powers conferred by sections 11, 11A and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, read with sections 54 and 62 of the Companies Act 2013 and rules 8 and 12 of the Companies Share Capital and Debenture Rules 2014 to provide for regulation of said equity shares and all schemes by companies for the benefit of their employees involving dealing in shares directly or indirectly with a view to facilitate smooth operation of such schemes while preventing any possible manipulation in matters connected therewith or incidental thereto, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely. So basic purpose kya hai inka? Do purpose hai. Sabse pehla hai regulation of set equity shares, right? Uske alawa regulation of all schemes of company jo ki employees ke benefit ke liye, जिसमें डीलिंग इन शेयर्स इन्वॉल्व है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और पर्पस क्या है कि वो स्कीम्स जो हैं स्मूथली चल सके और कोई पॉसिबल मैनिपुलेशन ना हो पाए। तो ये इसका क्रम है। अगर आप पूछो कि ये रेगुलेशन क्यों लाए, तो सबसे पहले रेगुलेट करने के लिए लाए स्वेट इक्विटी शेयर्स को। रेगुलेट करने के लिए वो स्कीम जो एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए जिसमें शेयर्स में डीलिंग इन्वॉल्व है। और पर्पस क्या है, ताकि वो स्कीम स्मूथली चल सके और उसमें किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन ना हो पाए। तो ये इसका पर्पज है। ठीक है, चैप्टर वन पढ़ दो फटाफट। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दीस रेगुलेशंस मे बी कॉल्ड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग: employee stock option schemes, employee stock purchase schemes, stock appreciation rights scheme, general employee benefit scheme, retirement benefit scheme and sweat equity shares. ठीक है, अब मुझे आप इनमें डिफरेंस समझा सकती हो छह की छह चीजों में? अभी तक आप ईसोप मीन सब ईसोप एक ही चीज थी मान रहे थे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये एक चीज नहीं है, छह अलग अलग वैरायटी की चीजें हैं जिसके लिए ये रेगुलेशन लगेगा, राइट? हम कल जब भी हम बात कर रहे थे ईसोप ईसोप कर रहे थे, तो ईसोप सिर्फ वो पहला पोर्शन है, वन ऑफ द काइंड है, डिफरेंट अवेलेबल होती है। ईसोप हमने कल पढ़ा था कि हम ऑप्शन दे देते हैं, एम्प्लॉई उसको एक्सरसाइज कर लेता है, उसको शेयर मिल जाते हैं, और जब तक एक्सरसाइज नहीं करता तब तक शेयर नहीं मिलते, राइट? तो ये तो था ईसोप स्कीम। अब ईसोप स्टॉक परचेज स्कीम क्या होती है, मुझे आईडिया नहीं। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली उनको शेयर्स दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ ऑप्शंस। अच्छा, ओके। तो इस केस में उनको डिस्काउंटेड रेट पे एम्प्लॉइज को कंपनी डायरेक्टली या ट्रस्ट के थ्रू शेयर्स देती है। अब जहाँ मोस्टली जहाँ स्टॉक परचेज स्कीम होती है वहां पे ट्रस्ट इन्वॉल्व होती है। तो क्या करते हैं, ट्रस्ट के पास शेयर्स रहते हैं जो वन टाइम अलॉटमेंट या मार्केट से खरीद के लेते हैं, और फिर जैसे जैसे एम्प्लॉई को ऑप्शन दी जाती हैं वो उतने शेयर्स वो ट्रस्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो टेक्निकली एम्प्लॉई वो शेयर्स परचेज कर रहा है ट्रस्ट से। ओके, परचेज ऑफ शेयर फ्रॉम अ ट्रस्ट एट डिस्काउंटेड प्राइस, राइट? यस सर। पहले केस में क्या था, वो एक्सरसाइज करता था, आपको बार बार अलॉटमेंट करनी पड़ती थी। यहाँ पे प्राइमरी नहीं, इसको प्राइमरी बोलेंगे। यहाँ पे मोस्टली हर बार जब भी एक्सरसाइज होगी आपको प्राइमरी अलॉटमेंट करनी है, ये सेकेंडरी है। दैट मींस अलॉटमेंट के फॉर्म सिर्फ एक ही बार फाइल होगी अगर कंपनी ट्रस्ट को अलॉट कर रही है शेयर, अदरवाइज वो भी नहीं होगा। और वो ट्रस्ट जो है मार्केट से, अगर लिस्टेड कंपनी है तो मार्केट से उसके शेयर खरीद लेगी। अच्छा, वो ट्रस्ट मार्केट से खरीद लेगी। दो ऑप्शन है ना, अभी ट्रस्ट को अगर इम्प्लॉइज को शेयर बेचने हैं तो ट्रस्ट के पास शेयर होने चाहिए। हाँ। तो ट्रस्ट कौन सेटअप करेगा, ट्रस्ट कंपनी सेटअप करेगी, किसके बेनिफिट के लिए, इम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए। पर्पस क्या होगा, इम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे शेयर्स देने का, कैसे, जैसे जैसे उनको एलिजिबिलिटी बनती है। हाँ। तो इसके पास अब दो तरीके से शेयर आ सकते हैं, एक दो या तीन तरीके। एक कंपनी ट्रस्ट के नाम पे डायरेक्टली अलॉटमेंट कर दे वन टाइम,
जितना भी आपने ट्रस्ट ऑप्शन रखी है, सपोज आपने 10 लाख ऑप्शन रखी है, तो 10 लाख शेयर्स कंपनी वन टाइम अलॉटमेंट करके ट्रस्ट को दे देती है, जो वो बेनिफिट इम्प्लॉई बेनिफिट के लिए होल्ड करेगी। दूसरा, प्रमोटर अपने शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरा, ये मार्केट से जाके खरीद लेती है और ट्रस्ट को पैसा कंपनी लोन देती है। तो तीन तरीके से हो गया। इसके बाद शेयर्स आ गए। अब इम्प्लॉय की जब एलिजिबिलिटी बनी तो जिसने भी रेट पे वो पैसा ट्रस्ट को देगा और ट्रस्ट उसके डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करेगी। हाँ। तो इम्प्लॉय क्या कर रहा है, शेयर परचेज कर रहा है। तो ये कौन सी स्कीम हुई, इम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। स्टॉक परचेज स्कीम, ठीक है, मोस्टली प्राइवेट कंपनियां करती हैं। यस सर, प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज क्यों करती है, लिस्टेड क्यों नहीं करती? लिस्टेड भी करती है पर कम करती है, मतलब जिसको बार बार अलॉटमेंट नहीं करनी वो ये ऑप्शन लेती है, जो अलॉटमेंट करने के लिए जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो प्राइमरी लेती है, वो ईसॉप लेती है। हाँ, तो उस केस में क्या होता है कि जब तक वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा तब तक आपकी ड्यू नहीं हुई, लेकिन जब एक्सरसाइज करेगा आपको अलॉटमेंट करनी पड़ेगी, अलॉटमेंट लिस्टिंग विस्टिंग सब करानी पड़ेगी। तो इस मतलब ट्रस्ट फॉर्म करने का मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड फॉर्मिंग द ट्रस्ट? तो क्या अभी शेयर्स कंपनी खुद तो होल्ड नहीं कर सकती अपने, तो कोई तो होल्ड करेगा जो ट्रांसफर करने के लिए। अब प्रमोटर के नाम पे तो नहीं दे सकते, प्रमोटर अपने शेयर तो नहीं ट्रांसफर करता रहेगा। अच्छा, तो इसलिए एक ट्रस्ट रखी जो एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए वो शेयर होल्ड कर रहे हैं और इसके ऊपर वोटिंग राइट फ्रीज रहते हैं। वोटिंग राइट्स नहीं रहते। हाँ, अगर आप ये देखोगे कि लिस्टेड कंपनी में तो तीसरी कैटेगरी है पब्लिक प्रमोटर, और इसको किसी कैटेगरी में नहीं डालते, नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक, क्योंकि ये ना तो पब्लिक की है ना प्रमोटर की, जब तक ये शेयर्स किसी को ग्रांट ना हो जाए। ठीक है, एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम समझे। हाँ जी। अब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम क्या होती है? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स स्कीम, पता नहीं सर, पर सर मुझे ना थोड़ा ये नहीं समझ में आ रहा कि ESPS स्वेट इक्विटी, चलो अभी स्वेट इक्विटी पे तो आएंगे कि कैसे डिफरेंट होगा, बिकॉज़ ये देखो ना शेयर ही दे। हाँ सुनो ना, दो तरीके हैं, यहाँ पे रोक लेते हैं। आज ग्रांट लेटर देती है कंपनी कि आफ्टर वन ईयर बाय paying X amount, we will allot you Y shares. ये क्या बना? ESOP. इसको ESOP हाँ, बोलो। ये तो हाँ, इसको ESOP बोलो। दूसरी जगह में ग्रांट लेटर देती है कि आफ्टर वन ईयर by paying X amount, we will transfer X shares to you. तो ये क्या हो गया? ESPS. दोनों में फर्क क्या है? ये अलॉटमेंट है और ये ट्रांसफर है। इससे अगर 50 टाइम्स 40 टाइम्स अगर लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 40 टाइम्स लिस्टिंग अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग की फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। यस सर, इसमें ट्रांसफर में नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ 40 टाइम्स भी करो तो जिस टाइम अगर आपने इनिशियली अलॉटमेंट की थी तभी, अदरवाइज नो अलॉटमेंट और लिस्टिंग। क्लियर है? यस। अब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट क्या है? नाम क्या सुजेस्ट कर रहा है कि कुछ स्टॉक का कुछ वो होता होगा, मतलब एप्रिसिएशन होता होगा, जैसे स्टॉक का प्राइस गिरता बढ़ता रहता है। फर्स्ट जेन है, आज हमारे शेयर्स का रेट है 100 रुपीज। एक साल बाद 1st जन 23 में
शेयर्स का प्राइस है 200 रुपए, स्टॉक में एप्रिसिएशन कितना हुआ? 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज हम दो तरीके से सेटल कर सकते हैं क्या? एक 100 के शेयर्स दे और 100 कैश दे एम्प्लॉय को। सो यहाँ पे आप उसको क्या राइट दिया आपने? राइट ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन। सो आपने उसको क्या बोला कि मैं आपको ना तो शेयर्स दे रहा हूँ अभी, ना शेयर एक्सरसाइज करने की ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं आपको आज के दिन में जो शेयर का रेट है और एक साल बाद जो शेयर का रेट है उसमें जो डिफरेंस आएगा, और वो जिस तरह की मेरी स्कीम है, अगर कैश सेटल्ड है तो आउट ही होगी, अगर स्टॉक सेटल्ड है तो उतने का मैं आपको शेयर्स दूंगा, तो कंपनी को टेक्निकली कम शेयर देने पड़े। राइट सर। अब ये भी ट्रस्ट के थ्रू भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राइट किस चीज का मिल रहा है? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। तो ये वर्ड आप कई जगह देखोगे, SAR वर्ड बहुत आता है। हाँ, शेयर परचेज अग्रीमेंट्स वगैरह में दिखता है मुझे। दूसरी बार मैंने बोला कि एक्स नंबर ऑफ शेयर ले लो, मैं ट्रांसफर करूंगा, पर आप तब क्यों लोगे? जब रेट ज्यादा होगा तभी लोगे, और उसको बेचने के बाद आपको प्रॉफिट होगा। राइट सर। अल्टीमेट एम है आपका प्रॉफिट कमाना। यस सर। तो क्यों नहीं मैं आपको प्रॉफिट जितने ही शेयर्स दे दूं? अच्छा, ओके ओके। तो मेरे को कम शेयर देने पड़ेंगे। राइट सर। तो स्टॉक कम क्यों देने पड़ेंगे अगर 200, अभी समझो किसी को 100 रुपए, यहाँ 200 रुपए का है, तो 200 रुपए की वर्थ के शेयर देने पड़ेंगे मेरे को। राइट सर। और अगर 100 का है तो मुझे बेनिफिट 100 रुपए, या तो 100 रुपए की वर्थ के शेयर अलॉटमेंट करनी पड़ेगी। राइट सर। राइट, वर्थ के उतनी, वर्थ के उतना पैसा देने का मेरे को उसको। हाँ, समझ गए। तो आप कह रहे हो कि अच्छा 200 की ही कर दो, अमाउंट के डिफरेंस के ऊपर हम सेटलमेंट करेंगे। अगर पूरी कैश सेटल्ड है तो कंपनी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यस सर। लेकिन कंपनी को पूरा का पूरा पेमेंट अपनी जेब से देना पड़ेगा। राइट सर। दूसरे केस में भी जब एप्रिसिएशन के लिए दे रहे हो तो भी कंपनी को अपनी जेब से देना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। राइट। लेकिन कम देना पड़ेगा। तो ये है तीसरी कैटेगरी, स्टॉक एप्रिसिएशन। हाँ, क्योंकि हम जनरल लैंग्वेज में वही बात करते हैं, ईसो पीसो। लेकिन ये होते हैं क्या सर इशू? हाँ, मतलब ये दिखता तो है। होता है, होता है। ये कहाँ ज्यादा होते हैं, लिस्टेड में? ये टेक्नोलॉजी कंपनी में ज्यादा रहता है, आईटी। क्यों, मतलब रीजन क्या है? नहीं, हर एक अपनी अपनी चॉइस है, मैनेजमेंट के ऊपर जिनको जैसा चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टॉक ज्यादा है, इमीडिएटली इमीडिएटली आपको डाइल्यूशन कम होता है ना आपका? इमीडिएट डाइल्यूशन तो ईसो पर ईएसपीएस में भी कम है, लेकिन बाद में भी इवेंचुअल में भी कम ही रहेगा, क्योंकि हम इस बेसिस पे दे रहे हैं कि अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो फिर कम हो गया तो किसी को कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ, ज्यादा हो गया तो बढ़ गया। हाँ, बढ़ गया तो सिर्फ डिफरेंस की जो अमाउंट है उतने ही शेयर देने पड़े, तो कम डाइल्यूशन होगा। मतलब बेसिकली 100 हैं और बाद में बढ़ गया अगर प्राइस, तो डिफरेंस की क्या वापस देता है वो? आप वही कह रहे हो, डिफरेंस जो अमाउंट है, आप अगर आप एम्प्लॉई हो तो आपकी कैलकुलेशन कैसे चलेगी? आप रोज रेट देखती रहोगी, अब मेरा इतना हो गया, अब मेरा इतना हो गया। भाई अब 100 के हिसाब से सपोज मुझे 1000 मिल रहा है, हाँ, तो आप 200 के हिसाब से 2000 मिल रहे हैं। हाँ, तो आपके पास 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रही होगी अपना। हाँ हाँ हाँ, वो 1 लाख रुपए आपको कैसे सेटल होगा? दो तरीके से सेटल हो सकता है, कंपनी आपको 1 लाख रुपए कैश दे दे, कंपनी को कोई अलॉटमेंट नहीं करनी पड़ी। अच्छा। या फिर आपको 1 लाख रुपए के शेयर दे दे। तो वो कैश देते हैं वो कैश सेटल SAR है, और जिसमें शेयर, मतलब द थिंग इज कि आज की डेट में अगर मैं ये एंटीसिपेट कर रही हूँ कि मेरे 100 शेयर का जो हिसाब किताब है वो एक साल बाद 200 शेयर जैसा बनेगा, तो उतना मेरे पास होना चाहिए एक साल का, मतलब उतना डिफरेंस आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है। अब जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स क्या होती है? अब बेनिफिट स्कीम तो बहुत होती है, आप रिटायरमेंट मेडिकल के लिए आप स्कीम खोल दो, सपोज आपने कंपनी ने
1 lakh शेयर्स ट्रस्ट को दे दिए, क्या आप इसकी इनकम और कैपिटल से एम्प्लॉई के मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करोगे? तो ये जनरल बेनिफिट स्कीम होगी, लेकिन ये इन रेगुलेशन में क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पे शेयर्स इन्वॉल्व हो गए। आपने अगर इनिशियली पढ़ाओ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिस भी स्कीम में जो एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए हो और जिसमें शेयर्स इन्वॉल्व हो तो स्कीम पे ये रेगुलेशन लगते हैं। तो अभी हम क्या चेक करें कि ये रेगुलेशन कहाँ कहाँ लगते हैं। तो अगर कंपनी ने कुछ शेयर्स सेट असाइड कर दिए ये कह के कि ये शेयर्स की जो भी इनकम बेनिफिट्स रहेंगे उससे हम कंपनी के एम्प्लॉई के मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेंगे, राइट? तो जनरल बेनिफिट स्कीम होगी। हाँ जी सर। और सेम ऐसे ही रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होगी, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन पर्पस क्या है इसका? टू कवर दी मेडिकल रिटायरमेंट कॉस्ट। यस सर, रिटायरमेंट कॉस्ट। सो ये क्या बनेगी स्कीम? रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। यस सर। और स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स तो डायरेक्टर्स वगैरह को, मतलब फॉर योर स्वेट जो तुम्हें पे करे जाते हैं वो, तो हाँ, कंपनसेटेड फॉर योर नॉलेज और टेक्निकल। व्हेन यू अलॉट शेयर्स टू, तो ये नॉन कैश है बेसिकली, नॉन कैश और डिस्काउंटेड कैश, लेकिन फॉर अगेंस्ट नो हाउ है। अलॉट शेयर टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा, जब हम आएंगे डायरेक्टर्स के अलावा भी लिखा है इसमें, सिर्फ डायरेक्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? तो ये छह लोगों को ही एप्लीकेबल है रेगुलेशन, राइट? अगर सम अप कर दो एक लाइन में बिना देखे कि कौन कौन सी चीजों पे एप्लीकेबल है रेगुलेशन, ईसोप, हेलो, ईसोप, ESPS, अच्छा मुझे मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे भी रियलाइज हुआ, ईसोप, ESPS, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट और स्वेट इक्विटी। इसमें से मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि SIR कोई क्यों इशू करेगा, SIR की जगह वो स्वेट इक्विटी, मतलब सिर्फ उसे कम देने पड़ रहे हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू डाइल्यूट नहीं हो रही, नहीं वो भी कम भी कहाँ देने पड़ रहे हैं, वो मतलब फिर वो कैश भी देना पड़ रहा है इसकी। हाँ कैलकुलेशन लो ना आप उसकी, तीनों केस का एग्जांपल ले लो, अगर आपको अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था ये वाला, ठीक है, अब SCR का एग्जांपल आपने ले लिया, आपसे बेनिफिट देखो ना कंपनी को क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नुकसान पड़ रहा है। स्टॉक अप्रिसिएशन 100 रुपए हो गया, तो यहाँ पे ये जो एक जनवरी को आपने 100 शेयर लिखे हैं और एक 22 और 23 में आपने लिखे हैं, हाँ 22 को और 23 रुपीज 100 के, हाँ अच्छा मुझे वही मुझे समझ नहीं आ रहा, शेयर्स रुपीज 200 के स्टॉक में, तो 100 रुपए हो गया, तो वो हम कैश भी दे सकते हैं और शेयर्स भी दे सकते हैं। अब रुपीज 100 के जब आप शेयर दोगे तो आपको कितने शेयर देने पड़ेंगे? 10 ओनली, अगर 10 रुपए का भी दे रहे हो तो, राइट राइट। लेकिन ऊपर के केस में जब यही चीज आप कर रहे हो एक्स अमाउंट में, तो आपको ये 100 शेयर ही देने पड़ेंगे अगर आज के दिन में है, राइट राइट, यस सर। तो ये परफेक्ट है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि वो जो डिफरेंस है वो हम कैसे भी सेटल कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं, राइट? आएगा ये सब डिटेल में आएगा, अभी मैं आपको सिर्फ ब्रॉड कंसेप्ट समझाया, यही रेगुलेशंस है इसमें, हर एक के पूरे प्रोविजंस है कि अगर आपको SCR इशू करना है तो क्या करना है, ये सब के सब चीजें इन रेगुलेशंस में कवर्ड है। बढ़े आगे, क्लियर ना? यस सर, यस सर। अभी बोल दो एक सांस में बिना देखे क्या है, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, होता होता क्या क्या है वो भी समझा दो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान तो वही होता है कि ऑप्शंस मिल जाते हैं और वो फिर जब वेस्ट हो जाते हैं तब एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज इट एट अ पर्टिकुलर रेट, और बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द मार्केट प्राइस एंड द एंड द एक्सरसाइज प्राइस वो बेनिफिट हो जाता है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम होती है कि ग्रांट लेटर में ही
हमने लिख दिया कि भाई तुम्हें एक साल बाद इतने ट्रांसफर हो जाएंगे. सो उसमें ऑप्शन, उसमें एक्सरसाइज होता है, इसमें ट्रांसफर होता है. और इसमें मेन उसमें उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें शेयर्स के ऊपर ट्रांजैक्शन होती है. वहां पे आप स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं, यहाँ पे शेयर्स के ऊपर सब होता है डीलिंग. हाँ, सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर हमें लिस्ट वो बार बार अलॉटमेंट करना, प्रोसीजरली बार बार अलॉटमेंट करना और वो करना अवॉइड करना हो, बट देन देखो अभी वही कंपनी बात सेटल्ड है. है, अगर आपकी कंपनी थी उसने बोला हम ईसोप दे रहे हैं और सीधा वो शेयर ही देती है और एक साल के लॉकिन में डाल देती है. प्राइवेट कंपनी पहली बार में इम्प्लॉय को जिनको ईसोप देना है ESPS देती है, उनको बोलती है आप कंपनी से पैसा दे के इतने शेयर ले लो. राइट सर. तो शेयर्स में बातें होंगी, स्टॉक परचेज स्कीम में हर चीज शेयर्स के ऊपर है, उसमें ऑप्शंस शेयर्स में होगी. उसमें ऑप्शंस हाँ, उसमें ऑप्शंस. हाँ, मोरओवर इसका मेन चीज तो वही है ना कि प्रोसीजरली इजी है ESPS, बिकॉज़ बट फिर वही बात आ जाती है कि ट्रांसफर की वजह से वो बाकी सबका बाकी सबके स्टेक का डाइल्यूशन होगा, तो वो रेशियो सही रहेगा कि नहीं, तो वो डिफरेंस आ जाता है. ईसो भी ट्रस्ट के थ्रू कर सकते हो आखिर में जो सेटलमेंट है. नहीं, वो चीज नहीं कह रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ सर कि स्ट्रेटजी में डिसाइड करते वक्त वो इशू रहेगा कि किसका रेशियो, क्योंकि अगर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो जो ट्रांसफर कर रहा है उसका भी तो कम हो जाएगा. वो एम्प्लॉई पर हाँ, अगर वो हाँ, पर अगर हाँ, अगर हम ट्रस्ट के थ्रू ESPS कर रहे हैं तो फिर वो वाला इशू. तो आएगा वो सबका कैसे कैसे क्या अकाउंटिंग होती है क्या करते हैं. हाँ, तो ये आपको क्लियर हुआ कि ESOP और ESPS में क्या फर्क है. उसके अलावा क्या था SAR. स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स था कि अभी मान लो 1 January 2022 को हमारे जो शेयर्स हैं वो 100 rupees के, 23 को वो 200 के हो गए, तो हमारा स्टॉक एप्रिसिएशन जो है वो 100 rupees हो गया. तो हम वो जो डिफरेंस है वो हम कैश में भी सेटल कर सकते हैं, चाहे तो हम और शेयर्स भी अलॉट कर सकते हैं, इट इज अपॉन अस. तो इस तरह से हम अपना जो इक्विटी स्टेक है वो डायल्यूट नहीं कर रहे, बेसिकली जो ESOP और ESPS में हो जाता है. जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट और रिटायरमेंट बेनिफिट में बोथ आर देयर टू कवर एम्प्लॉय मेडिकल एक्सपेंसेस. जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट इज व्हाइल द एम्प्लॉय इज ऑन द रोल्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग देयर टेन्योर, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट इज आफ्टर देयर रिटायरमेंट. स्वेट इक्विटी इज इशूड फॉर कॉम्पनसेटिंग अगेंस्ट नो हाउ टेक्निकल जो भी नॉलेज वगैरह जो भी देते हैं, मतलब एक तरह से तुम्हारी सैलरी की जगह अगर तुम्हें कोई स्टेक देना चाहे. ये पहला पेज क्लियर है आपका कि क्यों आया, शॉर्ट टाइटल क्या है और किसके ऊपर कवर है. अभी किन कंपनियों को एप्लीकेबल है बोलो. The provisions of these regulations shall apply to any company whose equity shares are listed on a recognized stock exchange in India and who seeks to issue sweat equity shares or has a scheme for direct or indirect benefit of employees involving dealing in or subscribing to or purchasing securities of the company directly or indirectly and satisfying directly or indirectly any one of the following conditions. The scheme is set up by the company or any other company in its group. The scheme is funded or guaranteed by the company or any other company in its group. The scheme is controlled or managed by the company or any other company in its group. ठीक है, तो ये किसको एप्लीकेबिलिटी है. अब इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं. हाँ जी, किसको. तो अगर राइट मूव लिमिटेड है उसको क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी कि ये उसके ऊपर एप्लीकेबल हो. Right. उसको लिस्टेड होना पड़ेगा. पहले मस्ट बी लिस्टेड. लिस्टेड. देन इट शुड वन इशू स्वेट इक्विटी शेयर. तो अभी इन सबको ही स्वेट इक्विटी रेफर कर रहे हैं क्या. और नहीं, और हैज ए स्कीम और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बेनिफिट एम्प्लॉइज. अच्छा, ये जो ये हाँ बेनिफिट के लिए एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिट. हाँ, कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. हाँ जी, फिर कवरिंग क्या कवर होना चाहिए उसमें. इन्वॉल्विंग और डीलिंग सब्सक्राइबिंग और परचेजिंग सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और क्या कवर होना चाहिए. And should satisfy either of क्या
satisfying directly or indirectly any one of the following conditions. Yeah, first, the scheme is set up by the scheme by right move. Or right move group limited. Any other company in the group. Company limited. Pella. Ya fir. Or. Yes, scheme. The scheme is funded or guaranteed. Set up by. वर्ल्ड पे ध्यान देते हैं. ये है स्कीम सेट अप बाय. सेकंड केस मतलब ये जो हाँ यही चीज. सेकंड केस में क्या है? स्कीम फंडेड बाय. इस फंडेड और गारंटेड बाय मतलब अच्छा पैसा दिया है बट ये जरूरी नहीं है कि उसने खुद से बनाया. गारंटेड बाय. और सेम चीज controlled or managed by. तो अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो रही है आपके यहाँ पे जो स्कीम है जो बेनिफिट्स के एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए है तो आपके ऊपर ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. राइट. सो ये टेस्ट कब आएगा? जब आपके पास कोई एम्प्लॉई की बेनिफिट की स्कीम है जिसमें शेयर्स में डीलिंग इन्वॉल्व है और आपकी मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं हमने तो बनाई नहीं है, हम तो सिर्फ फंड करते हैं या हम सिर्फ मैनेज करते हैं, तो ये 2 या 3 में कवर होगा. तो स्टिल आपको ये रेगुलेशंस कवर हो जाएंगे. कवर एप्लीकेबल. क्लियर है क्या? यस सर. तो जरा मुझे बता दो कि एक लाइन में कि क्या है, किसको एप्लीकेबल है ये रेगुलेशन. सो बेसिकली या तो एक तो कंपनी हमारी लिस्टेड होनी चाहिए और या फिर आवर कंपनी शुड चेक टू एंड सॉरी लिस्टेड तो है ही एंड and who seeks to issue sweat equity shares or has a scheme jo employees ke benefit ke liye ho aur jo dealing in a subscribing to purchasing of equity shares isme involved ho and that should be indirectly or directly ye teenon mein se ek cheez meet karni chahiye use ki wo ya to company ne set up kari honi chahiye ya company ke dwara funded honi chahiye ya fir usne control or manage kar. Clear hai? Haan ji. आगे बढ़े. 4 यहां तक क्लियर हो गए ना पैराग्राफ? फिफ्थ क्या बोल रहे? The provisions pertaining to preferential issue as specified in the Securities and Exchange Board of India, issue of capital in this. आवाज गई. आवाज गई थी. हेलो. हाँ अब आ रही है सर. यस. द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू प्रेफरेंशियल इशू एज स्पेसिफाइड इन द सिक्योरिटीज ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2000 न्यू शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स एंड कंप्लायंस ऑफ दीस रेगुलेशंस एक्सेप्ट वेयर एवर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दीस रेगुलेशंस. तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेफरेंशियल इशू के प्रोविजंस हैं वो नहीं इस केस में एप्लीकेबल होंगे जहां पे स्पेसिफिकली अप्लाइड हो. जैसे स्वेट इक्विटी वगैरह भी एक तरह से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो जाएगा एक्सेप्ट जहां जहां ये आप अलॉटमेंट कर रहे हो अदर देन एग्जिस्टिंग मेंबर कर रहे हो तो आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो एम्प्लॉइज को बट स्टिल इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. क्लियर? हेलो सर आपने क्या बोला? पीछे नहीं मुझे देखो. आवाज क्लियर है क्या? आवाज ब्रेक हो क्या आ रही है कुछ? आवाज अभी क्लियर है? हाँ अब क्लियर है. हाँ सो जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे हो तो आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो एम्प्लॉइज को? इन दीस रेगुलेशंस अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशंस एंड डेरिवेशंस देयरफ्रॉम शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू देम एज़ अंडर. रुको ना आवाज नहीं आ रही. सुन नहीं रहा है आप क्या बोल? हाँ एक मिनट लीव करके वापस ज्वाइन कर लो. करूं? हाँ करो ना.
फिफ्थ प्रोविजन क्या बोल रहा है कि जनरली आप जब एग्जिस्टिंग मेंबर्स को नहीं दे रहे हो तो आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो। हाँ हाँ वही मैं कह रही थी कि हाँ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं बट इस पे प्रेफरेंशियल रेगुलेशन से एप्लीकेबल नहीं होगी एक्सेप्ट जहां जहां मेंशन है। हाँ ठीक है, डेफिनेशन क्या है? In these regulations, unless the context otherwise requires, the following words, expressions, and derivations therefrom shall have the meanings assigned to them as under. Act means the Securities and Exchange Board of India Act. Appreciation means the difference between the market price of a share of a company as it on the date of exercise of SAR or the date of vesting of SAR, as the case may be, and the SAR price. Associate company shall have. नहीं नहीं क्या समझा दो तो क्या कह रहा है? हाँ. तो एक्ट तो हमें क्लियर है, SEBI एक्ट 1992। एप्रिसिएशन मींस द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस, मतलब बेसिकली जिस दिन हम SAR एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दिन में और जिस दिन वो वेस्ट हो रहा है उस दिन में जो मार्केट प्राइस में डिफरेंस होगा वो SAR प्राइस नहीं है। दोबारा पढ़ो। मींस द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ SAR और द डेट ऑफ वेस्टिंग। अच्छा एक्सरसाइज उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, एज द केस में भी एंड द एसआर प्राइस। मींस अ डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ SAR और द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ SAR, मतलब जो डिफरेंस मार्केट प्राइस में रहेगा या तो एक्सरसाइज के डेट पे या वेस्टिंग के डेट पे एंड द SAR प्राइस। हाँ और मतलब एक्सरसाइज की डेट पहले आती है, वेस्टिंग की डेट पहले आती है, एक्सरसाइज की डेट बाद में होती है, एक्सरसाइज की बाद में आती है, राइट। तो अगर किसी ने यूनिफॉर्म रखना चाहा तो वो क्या रखेगी कि जिस दिन वेस्ट हुआ उस दिन का डिफरेंस हम पे करेंगे, और किसने बोला नहीं नहीं आप जिस दिन एक्सरसाइज करोगे उस दिन का डिफरेंस हम पे करेंगे, राइट। तो ये स्कीम टू स्कीम, इसलिए उसके आगे लिखा है एज द केस में भी स्कीम टू स्कीम डिफर कर सकता है। ओके सर। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन द सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या होती है एसोसिएट कंपनी, मतलब जो 26 में डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट की, तो दिख गया होती क्या 20% का कुछ फंडा होता है कि 20% से ज्यादा 20% या आप उसके कंट्रोल अपना डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाँ और बोर्ड तो फिर एसोसिएट के बोर्ड मींस द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंपनी शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये शायद वो होता है कि क्या डिफाइन किया एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट विद अ कॉमन सील। नहीं नहीं कॉमन वुमेन्स ने लिया, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 13 और एनी एक्ट प्रीवियस। अच्छा और एनी प्रीवियस एक्ट, सो दैट मींस कंपनी कॉमन सील जो कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं बनी वो कंपनी नहीं है। हाँ वो तो है, वो तो फिर एओपी हो जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट या कुछ हो सकती है, लेकिन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट। कंट्रोल, control shall have the same meaning as defined under the Securities and Exchange Board of India substantial acquisition of shares and takeover regulations 2011। ye mujhe nahi pata hai। ha to control ki definition SAST mein di hui hai ki us definition ko apne ko refer karna hai, jab aayega jahan pe point wahan pe refer karenge। theek hai sir। director, director shall have the same meaning as defined in the section 234 of the Companies Act 2013। emergency kya hoti hai? Emergency means a situation wherein the trust is in need of funds to meet the commitments arising out of the objectives of the scheme. Practical example. So basically, अभी हमारा suppose arising suppose हमारी उसका objective है कि हमारी scheme का objective है कि हमारे employees whenever they are in need of money due to some medical emergency या वो hospitalized हैं तो उन्हें हमें पैसे provide करने हैं। पर और while providing अभी अभी जैसे covid की situation चल रही है तो multiple लोग hospitalized हो गए और उसमें ये हो गया कि हमारे trust के पास कम हो गए पैसे, तो वो situation emergency हो जाएगी। ठीक है। employee का मतलब क्या है? Employee except in relation to issue of sweat equity shares means सबसे पहले ये स्टॉक ऑप्शन और बाकी सब के लिए एप्लीकेबल है, स्वेट के लिए नहीं है डेफिनेशन एप्लीकेबल। हाँ क्या डेफिनेशन है ये?
An employee is designated by the company who is exclusively working in India or outside India. मतलब पेरोल्स पे होना चाहिए, इंडिया में काम करे चाहे बाहर करे. A director of the company, whether a whole-time director or not, including a non-executive director, who is not a promoter or member of the promoter group, but excluding an independent director. करेंगे अपन, पढ़ लो एक बार, फिर इसको भी एग्जांपल के साथ लेंगे. An employee is defined in sub-clause 1 or 2 of a group company, including subsidiary or its associate company in India or outside India, or of a holding company of the company, but does not include an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group, or a director who either himself or through his relative or through any body corporate directly or indirectly holds more than 10% of the outstanding equity shares of the company. कल जब हम देख रहे थे, तो हमने कहा था कि ESOP employees को दी जाती है. अब ईसोप में हमने कहा था कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई बनाएंगे, तो उस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई में कौन इंक्लूड होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, वो ये डेफिनेशन क्लियर करेगी. ठीक है, तो लाइक अभी मिस करेंगे क्या के एग्जांपल नाम लेके करेंगे, तो दो मिनट में हमको समझ आएगा. कंट्रोल, ठीक है. एम्प्लॉई मीन्स इन रिलेशन टू, सबसे पहले स्टैटिक टीचर छोड़ दो. कंपनी है राइट मूव लिमिटेड, ऑब्वियसली लिस्टेड है क्योंकि इसके ऊपर एप्लीकेबल है. अब सबसे पहली कैटेगरी में क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉय कैन एम्प्लॉय इज डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन एस सी एस इन इंडिया, कवर्ड है. हां जी. सेकंड, रमेश वर्किंग एज सीओओ इन यूएस, कवर्ड है. कवर्ड है, यस सर. कंडीशन क्या है, डेजिग्नेटेड एज एम्प्लॉय, रिटेनर पे नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज डेजिग्नेट होना चाहिए. ठीक है, ये पहली कैटेगरी थी, ये क्लियर है. फर्स्ट पढ़ो, यही मतलब. यस यस सर, यस सर. हु इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, exclusively काम कर. सेकंड कैटेगरी में, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर ए होल टाइम डायरेक्टर और नॉट इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऊपर चला गया सर, इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इज नॉट अ प्रमोटर और मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है, आप कंपनी राइट मूव के जो डायरेक्टर्स हैं, ये पहली कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी में डायरेक्टरों की कैटेगरी लेते हैं, जीटी प्रमोटर, SG नॉन एग्जीक्यूटिव, MT होल टाइम डायरेक्टर, MD डायरेक्टर और MD, KPKY इंडिपेंडेंट. अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इन चार कैटेगरी में से कौन कवर होगा, एक बार पढ़ लो और फिर मुझे बता दो. ये लो, ये यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके नीचे रखता हूँ ताकि आपको पढ़ने को इजी रहे. बोलो, इस डेफिनेशन के हिसाब से इन चार लोगों में से कौन एम्प्लॉय होगा जिसको हम ईसोप देंगे. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये प्रमोट जीटी भी कवर होगा. कवर होगा, एसजी भी कवर होगा. हां हां, ध्यान से पढ़. एक मिनट, हु इज नॉट अ प्रमोटर और प्रमोटर मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप बट. अच्छा अच्छा, ओके, तो जीटी नहीं होगा, एसजी होगा. तो ये कट गया. हाँ, जीटी कट जाएगा, ये कट गया. और केवाई और जीटी नहीं होगा, एसडी और एमटी होगा. तो कौन से डायरेक्टर्स को आप दे सकते हैं इसको, जो होल टाइम है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन, ये नॉन एग्जीक्यूटिव हो या होल टाइम हो, या मतलब चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, इंडिपेंडेंट को नहीं दे सकते और प्रमोटर को नहीं. ये क्लियर हो गया, इसको काटू. यस सर. उसकी अगली कैटेगरी क्या थी, थर्ड. An employee is defined under sub clause 1 or 2 of a group company including subsidiary or associate company. यहां से पढ़ो. हां, Clause 1 or 2 of a group company including subsidiary or associate company in India or outside India or of a holding of the company but does not include an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group or a director who either himself or through his relative or through anybody corporate directly or indirectly holds more than 10% of the outstanding equity shares of the company. ठीक है, अब ये जो directors थे, इसमें से he holds jointly
विद रिलेटिव एंड कंपनी 11% एंड ही होल्ड्स 5%. तो आप कौन किसको नहीं दे सकते, किसको नहीं दे सकते? और इसके बाद एक और भी इम्प्लॉई था जिसका कहां गया, ठीक है, सेवेंथ इम्प्लॉई था एसके सीईओ जो जीटी ब्रदर था, ओके, हाँ जी. और उसके अलावा राइट मूव ग्रुप कंपनी लिमिटेड के एम्प्लॉई हैं जेड एन एम जेड, ठीक है. अब ये कैटेगरीज आई डेफिनेशन के हिसाब से, ये ग्रुप कंपनी के हैं जेड एन, ये जीसी का है, एम जेड सब्सिडरी का है और के वाई होल्डिंग का, ठीक है. अभी ये कैटेगरी के लोग मैंने खड़े किए, अब इस डेफिनेशन के हिसाब से देखो कौन कवर हो रहा है कौन नहीं हो रहा है थर्ड वाली डेफिनेशन के हिसाब से. Does it include employee who is a promoter, person belonging to the promoter group? तीन ऊपर से बोलो, an employee as defined in. Did sub clause 1 or 2 of a group company including subsidiary or its associate company in India or outside India or of a holding of the company but does not include an employee who is a promoter or a person belonging to a promoter group. तो ये नहीं होगा, SK नहीं होगा, SK गया, ये brother है, हाँ, GT का brother है तो promoter group का part हो जाएगा. Person belonging to the promoter group, a director who either himself or through his relative or through any body corporate directly indicated with 10% without any So, 4 or 5 में से कौन कट गया? SC non-executive holds. हाँ, ये कट गया 11% वाला. तो अब आपकी combined interpretation क्या हो गई? Combined interpretation हो गई कि कोई भी एम्प्लॉय जो चाहे इंडिया में पेरोल्स पे हो चाहे जो पेरोल्स पे हो कंपनी के, चाहे वो इंडिया में काम कर रहा हो या बाहर कर रहा हो, वो इंक्लूडेड होगा, बट ही शुड नॉट बिलोंग टू द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप और एनी मतलब उनका कोई रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए. और देख ले डेफिनेशन सामने. हाँ सर, ये डेफिनेशन सामने है, देख फटाफट एक बार पढ़ ले तो अभी आपको सब समझ आएगा. Employee की same relationship means an employee is designated by the company is exclusively working in India or outside India, or a director of the company, whether a full-time director or not, including a non-executive director who is not a promoter or member of the promoter group, but excluding an independent director. Independent director भी नहीं होएगा. तो independent और promoter director हट गए. हाँ जी. और फिर 11% वाला जो नीचे वाला. अगर 10% से ऊपर holding है तो भी जो हाँ. एक मिनट फोन आ रहा है. आप पढ़ो आगे जरा एक बार. An employee is defined in subclause 1 or 2 of a group company, including subsidiary or its associate company in India or outside India, or of a holding company of the company, but does not include. Hello. Huh. हाँ जी सर. तो पहले employee की definition में क्या हो गया? कंपनी का एम्प्लॉय जो इंडिया के बाहर हो. हाँ जी. फिर कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसके पास 10% से कम शेयर हो. राइट. जिसके अंदर इंडिपेंडेंट और प्रमोटर डायरेक्टर छोड़ देने. राइट सर. फिर उसके बाद ग्रुप कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट के एम्प्लॉय जो ऊपर की दोनों कैटेगरी के हैं, चाहे उनका डायरेक्टर हो चाहे उनका एम्प्लॉय हो. लेकिन उसके बाद क्या कंडीशन है कि इम्प्लॉई जो है प्रमोटर ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए और डायरेक्टर के पास 10% से ज्यादा शेयर नहीं होने चाहिए. शेयर्स नहीं होने चाहिए. तो यही समरी है. यस सर. क्लियर है एम्प्लॉई की डेफिनेशन किस कॉन्टेक्स्ट में? ये हमने कल जब पढ़ा था क्या यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉईज जो हमें अटैच करनी है अभी ये क्लियर हो गए. व्हाट इज द लिस्ट? यस सर. यस सर. कौन लोग है जो उस लिस्ट में होंगे
अब इसमें कहीं कंसल्टेंट का नाम नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं है, आउटसाइडर इंक्लूडेड नहीं है, अब क्या क्या और इंक्लूड नहीं है, अब यहाँ पे इसको ठीक कर दो। इंडिपेंडेंट प्रमोटर, इंडिपेंडेंट हाँ नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रमोटर डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर होल्डिंग मोर मोर देन देन 10% नहीं है, राइट right? हाँ ये कैटेगरी के लोग जी आउटसाइड हो गए। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई अभी इम्प्लॉइज वाली? यस सर इसको छोड़ के कोई भी है तो आपका एम्प्लॉय के सर लिए पर बन गया, डायरेक्टर होल्डिंग मोर देन 10% के पीछे क्या लॉजिक होगा? मतलब उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ही है ना, उसको क्या मोटिवेट करोगे? हाँ ऑलरेडी है राइट राइट हाँ ठीक चलो है आगे बढ़ो। फिर उसके बाद है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम और ईसॉस मींस अ स्कीम अंडर व्हिच अ कंपनी ग्रांट्स एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस टू एम्प्लॉईज डायरेक्टली और थ्रू अ ट्रस्ट ठीक है, पर इसमें जो क्रक्स है वो ये ऑप्शंस है, यहाँ पे आप ऑप्शन दे रही हो, हाँ जी बाद में उनको शेयर्स कंपनी डायरेक्टली भी दे सकती है, ट्रस्ट के थ्रू भी दे सकती है, लेकिन ऑप्शन दी जा रही है, इमीडिएटली शेयर्स नहीं दिए जा रहे। फिर यस एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम और ईएसपीएस मींस अ स्कीम अंडर व्हिच अ कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू एम्प्लॉईज एज पार्ट ऑफ द पब्लिक इशू और अदरवाइज और थ्रू अ ट्रस्ट वेयर द ट्रस्ट मेक अंडरटेक सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम ठीक है, दो पार्ट में, सबसे पहले स्कीम जहाँ पे शेयर्स ऑफर किए जाते हैं ऑप्शन की जगह, हाँ कब, एज ए पार्ट ऑफ पब्लिक इशू, पब्लिक इशू तो अनलिस्टेड कंपनियाँ करती है, तो उस टाइम पब्लिक इशू के राइट सर कंटेक्स में एम्प्लॉइज को शेयर दे सकती है वो, एज ए ईसॉप करके, ईएसपीएस करके, यस सर या पहले भी दे के रख सकती है। कैसे देना है? ट्रस्ट के थ्रू, हाँ जो ट्रस्ट सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकती है, जो हमने बताया मार्केट से लेके दे सकती है। यस सर यस एक्सरसाइज Exercise means making of an application by an employee to the company or to the trust for issue of shares or appreciation in form of cash, as the case may be, against vested options or vested SARs in pursuance of the schemes covered under Part A or Part C of Chapter 3 of these regulations, as the case may be. देखो एक्सरसाइज में नहीं बोला ना, वो एप्लीकेशन तो आए, सिंपल है एप्लीकेशन आएगी एप्लीकेशन डालो और हाँ इक्वी ईसोप में, और ईएसपीएस में इश्यू ऑफ शेयर, और एससीआर में एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन किन के कॉन्टेक्स्ट में? यस अगेंस्ट वेस्टेड ऑप्शन या वेस्टेड एससीआर, ये हमने कल बात की थी, खाली वेस्टेड ऑप्शन ही एक्सरसाइज हो सकती है। एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड मींस अ टाइम पीरियड आफ्टर वेस्टिंग विद इन व्हिच एन एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज हिज अ राइट टू अप्लाई फॉर शेयर्स अगेंस्ट द वेस्टेड ऑप्शन Depreciation against vested SAR in pursuance of the schemes covered under Part A or Part C of Chapter 3 of these regulations as the case. क्लियर है Yes, sir. कि वेस्टेड ऑप्शन कितने टाइम में आप ले सकते हो, उसको एक्सरसाइज पीरियड बोलते हैं। Yes, sir. Yes. एक्सरसाइज प्राइस, Exercise price means the price, if any, payable by an employee for exercising the option or SAR granted to such an employee in pursuance of the scheme covered under Part A or Part C of Chapter. ये भी क्लियर है मतलब जो पैसा वो एम्प्लॉय देता है ऑप्शन के फॉर लिए। हाँ ऑप्शन जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम और जीबीएस मींस एनी स्कीम ऑफ अ कंपनी फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस डीलिंग इन शेयर्स ऑफ द कंपनी और द शेयर्स ऑफ इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर बेनिफिट्स हॉस्पिटल केयर और बेनिफिट्स और बेनिफिट्स इन द इवेंट ऑफ सिकनेस एक्सीडेंट डिसेबिलिटी डेथ और स्कॉलरशिप फंड्स और सच अदर बेनिफिट एज स्पेसिफाइड बाय सच कंपनी ठीक है, एम्प्लॉय के बेनिफिट के हाँ लिए जी जो स्कीम शेयर्स में डील करती है खुद के या फिर अपनी हाँ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी का, यस ग्रांट Grant means the process by which the company issues options, SARs, shares, or any other benefits under any of the schemes. Clear है? Act by which these options are made available. Yes. Grant date. Grant date means a date on which the compensation committee approves the grant. अभी कमेटी ने आज अप्रूव किया, लेटर कल दिया, तो डेट कौन सी होगी ग्रांट डेट? आज करा आज की होगी ना आज की होगी जिस दिन का बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब जिस दिन का कमिटी रेजोल्यूशन
Group means? Explanation. Group means two or more companies which directly or indirectly are in a position to exercise 26% or more of the voting rights in another company, or appoint more than 50% of the members of the board of directors in another company, or control the management affairs of the other company. So companies in same group means? जो दो कंपनियां मिलकर किसी और कंपनी में 26% या उसके बोर्ड को मेजोरिटी को अपॉइंट कर सकती है 50% से ज्यादा या अफेयर्स को मैनेज कर सकती है. हां जी. आईसीआई मींस द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. इनसाइडर शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड टू इट इन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड टू इट अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015. Initial public offer IPO shall have the same meaning assigned to it. IPO और FPO में फर्क क्या होता है? IPO होता है जो कंपनी पहली बार करती है. FPO is something जो बाद में आता है. ठीक है. मतलब एक बार कंपनी लिस्ट हो चुकी है उसके बाद जब आता है. KMP. KMP shall have the same meaning as defined in the section 251 of the Companies Act. कौन-कौन होते हैं KMP? WTD, CS, CFO. मैनेजर भी है शायद. आगे क्या मिनिमम ये तीन लोग तो रहते ही मार्केट प्राइस. मिनिमम ये तीन तो रहते ही मार्केट. हां मार्केट प्राइस मींस द लेटेस्ट अवेलेबल क्लोजिंग प्राइस ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन व्हिच द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन द डेट इमीडिएटली प्रायर टू द रेलेवेंट डेट. अभी मार्केट प्राइस का जब वैल्यूएशन की बात करते हैं टैक्स की बात करते हैं तो मार्केट प्राइस का मीनिंग आएगा. तो कौन से दिन का क्लोजिंग प्राइस लेना है? रेलेवेंट डेट से लेटेस्ट एक दिन पहले का पहले. और जहाँ पे दो से ज्यादा जैसे कंपनी बीएससी एनएससी में है तो जहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है वहाँ का लेना है. ओके सर. हाँ जी सर. क्लियर. इसको एग्जांपल में डाल देते हैं. यहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग पर ये कहीं लिखा नहीं है कि ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है. ये तो हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं. इसमें कहीं लिखा नहीं है कि ज्यादा. कहाँ पे नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ नीचे एक्सप्लेनेशन. अच्छा शेयर मोर देन 1 डिग्री देन द क्लोजिंग प्राइस ऑन द डे शेयर हैव द हायर ट्रेड. अच्छा ठीक है. अब समझो राइट मूव है उसको अपने शेयर की मार्केट वैल्यू देखनी है. रेलेवेंट डेट 2nd जनवरी है तो क्लोजिंग प्राइस ऑफ BSE अगर 50 रुपए है तो ये मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की. लेकिन अगर शेयर BSE पे भी लिस्टेड है जहाँ पे रेट है 50, NSE पे भी लिस्टेड है जहाँ 49, ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे है 1 करोड़ शेयर्स और यहाँ पे है 2 करोड़ शेयर्स. ठीक है पर दिन नहीं लिखा उसमें तो उससे पिछले दिन का ही लेना पड़ेगा. तो किसका रेट लेंगे हम लोग? एनएससी का. क्यों? क्योंकि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है. अब ये इसने पीरियड नहीं दिया. अब ये ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो तो पीरियड का ही हो सकता है ना. यस सर. तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जिस ये प्रीसीडिंग दिन का जो है उसी दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना है. जिसका ज्यादा होगा उसका लेना. ठीक है सर. ओके मार्केट. हां जी सर. आगे बोलो. चार पेज तक क्लियर है ना जो भी पढ़ा हमने? ऐसी चीज नहीं जो नहीं. हां हां बिल्कुल एकदम. मर्चेंट बैंकर. मर्चेंट बैंकर मींस अ मर्चेंट बैंकर इज डिफाइंड इन द रेगुलेशन 21 सीबी ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992 व्हिच इज रजिस्टर्ड इन द सेक्शन 12 ऑफ दैट. Option means the option given to an employee which gives such an employee a right to purchase or subscribe at a future date the shares offered by the company directly or indirectly at a predetermined price. Do cheeze dhyan do. At a future date, at a predetermined price. Aaj ke baad aur predetermined hai, discounted nahi. So it may be sir. Over and above the market price, less than market price. लेकिन प्राइस फिक्स होना चाहिए. वो फॉर्मूला भी हो सकता है और प्राइस भी हो सकता है. और ये सिर्फ ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है.
क्लियर है? यस. ऑप्शन गारंटी. Option guarantee means an employee having a right but not an obligation to exercise an option in pursuance of an ESOS. Employee stock option scheme. क्या बोल रहा है? ये right है हमारे पास exercise करने का, but जबरदस्ती नहीं है हमारे साथ कोई कि भैया करना ही है. pre-IPO scheme. pre-IPO scheme means any scheme formulated prior to the initial public offer of the company and prior to the listing of its equity shares on a recognized stock exchange. तो पेटीएम के केस में अभी जो लिस्ट हुई, अगर उसने लिस्टिंग से पहले कोई स्कीम निकाली थी तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्री आईपीओ स्कीम. प्री आईपीओ स्कीम. और वही लिस्टिंग होने के बाद निकालता तो नॉर्मल ईसॉप स्कीम. प्रमोटर तो मतलब ये तो फिर सारी प्राइवेट कंपनीज के लिए वो प्री आईपीओ स्कीम हो जाएगी क्या जब तक वो लिस्ट होगी? हाँ, तो उनको भी ये कहीं ना कहीं एप्लीकेबल करेगा रेगुलेशन. बट आफ्टर द आईपीओ अभी वो देखेंगे कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है, लेकिन इसमें प्रोविजन है कि ऐसी कंपनियों पे भी ये लगेंगे. प्रमोटर शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड टू प्रमोटर शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड टू इट अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018. जनरली पर्सन प्रमोटर ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और नेम्ड इन द लास्ट पैटर्न्स और एनुअल रिटर्न एज प्रमोटर. अच्छा, आईसीडीआर में ऐसे डिफाइंड है. Promoter group shall have the same meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India ICDR regulations. Promoter group में 6-7 categories हैं, like direct relative, उनकी कंपनियां, तो ये सब promoter group के part होते हैं, जो directly indirectly promoter से related है. जब आएगा और जहां जरूरत महसूस होगी वहां पे अपन देखेंगे उसको. Recognized stock exchange means a stock exchange which has been granted recognition under Section 4 of the Securities Contract Regulation Act. Registrar. Registrar means a registrar to an issue as defined under Regulation 2F of the Securities and Exchange Board of India. Registrar to an issue and share transfer agent regulations 1993 and includes a share transfer agent as defined under Regulation 2G thereof, which is registered under Section 12 of the Act. Like example, कौन हो सकता है? जैसे big share था या फिर लिंक इन टाइम बिग शेयर के वो काफी सारे हैं. कार भी है. ठीक है, कार भी है. ये रजिस्ट्रार है. हाँ. रिलेटिव. रिलेटिव शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 277 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000. तो उसमें कैसे डिफाइन? रिलेवेंट डेट. बेसिकली टी टी डिफाइंड किया. टी कैसे होता है? भाई बहन, मम्मी डैडी, बच्चे. ओके, उससे ज्यादा नहीं, ब्रांचेस नहीं है. ट्रस्ट बाय द एम्प्लॉय. ठीक है, जब आप ग्रांट कर रहे हो तो रेलेवेंट डेट क्या है? जिस दिन कॉम्पनसेशन कमिटी की मीटिंग हुई है और जब आप एक्सरसाइज करने वाले हो उस दिन. जिस दिन हमने नोटिस ऑफ एक्सरसाइज दिया कि भैया हमें करना है ये एक्सरसाइज एंड वो रेलेवेंट डेट है. वो रेलेवेंट तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आएगा वो देखेंगे. अभी हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं. जब रेलेवेंट डेट आएगा हमको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है उसको. Retirement benefit scheme. Retirement benefit scheme means a scheme of a company framed in accordance with these regulations dealing in shares of the company or the shares of its listed holding company for providing retirement benefits to the employees subject to compliance with existing rules and regulations as applicable under laws relevant to retirement benefits in India. तो इसमें क्या हुआ? Share set aside कर दिया और इससे क्या मिलेगा? उनको जो retirement benefit company को देने पड़ते हैं वो scheme के through दिए जाएंगे. Yes. Pension, PF, SAR guarantee. SAR guarantee means an employee to whom a SAR is granted. जिसको stock appreciation rights दिए जाएंगे वो SAR guarantee. SAR price means the base price defined on the grant date of SAR for the purpose of computing appreciation. Scheme. Scheme means a scheme of a company proposing to provide share-based benefits to its employees under Chapter 3 of these regulations, which may be implemented and administered directly by such company or through a trust in accordance with these regulations. Securities. Securities means securities as defined in Section 2H of the Securities Contract Regulation. Secondary acquisition.
Secondary acquisition means acquisition of existing shares of the company by the trust on the platform of a recognized stock exchange for cash flow. Secretarial auditor. Secretarial auditor means a company secretary in practice appointed by a company under Rule 8 of the Companies Meeting of Board and its Power Rules 2014 to conduct secretarial audit pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India Listing Obligation Disclosure Requirement Regulation. जहाँ पे भी secretarial auditor की बात आ रही है, तो आप किसी भी PCA से certificate नहीं ले सकते, जिसको आपने as a secretarial auditor appoint किया, उसी से लेना पड़ेगा. Shares means. Shares means equity shares and securities convertible into equity shares and includes American depository assets, global depository assets, or other depository assets representing underlying equity shares or securities convertible into equity shares. ठीक है, तो ये सब के सब equity या equity convertibles है? हाँ जी. ये equity share हो गया, CCPS हो गया, convertible debentures हो गए, ADR, GDR हो गए. Stock appreciation right क्या होता है? Stock appreciation right as SAR means a right given to a SAR grantee entitling him to receive appreciation for a specified number of shares of the company where the settlement of such appreciation may be made by way of cash payment or shares of the company. समझाओगी? हाँ, मतलब ये SAR grantee को ये right है कि उसे appreciation मिल सके. फिर वो जो एप्रिसिएशन है दैट कैन बी गिवन बाय वे ऑफ शेयर्स और बाय वे ऑफ कैश इन द कंपनी. अ SAR सेटल्ड बाय वे ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी शैल बी रेफर्ड टू एज इक्विटी सेटल्ड स्टॉक एप्रिसिएशन राइट. मतलब बेसिकली अगर शेयर्स दिए हैं तो दैट इज इक्विटी सेटल्ड एप्रिसिएशन मे बी पेड बाय वे ऑफ कैश पेमेंट और शेयर्स ऑफ द कंपनी. अगर शेयर्स के थ्रू सेटल हो रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विटी सेटल्ड एज शेयर. हाँ, और अगर उस दूसरी तरह हुए तो वो लिखा है एक्सप्लेनेशन टू में फॉर द पर्पस. नहीं, अच्छा वो नहीं लिखा है ऊपर. कैश होगा, कैश सेटलेस है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन एनी रेफरेंस टू स्टॉक एप्रिसिएशन राइट और SAR शैल मीन इक्विटी सेटल SARs एंड डज नॉट इंक्लूड एनी स्कीम विच डज नॉट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व डीलिंग इन अ सब्सक्राइबिंग टू अ परचेजिंग सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. मतलब इस रेगुलेशन के लिए वो इक्विटी सेटल SAR ही होना चाहिए. इस रेगुलेशन में सिर्फ इक्विटी सेटल SAR के ऊपर ही एप्लीकेबल है. हाँ हाँ, कैश सेटलरी SAR के ऊपर नहीं. स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम SAR स्कीम मींस अ स्कीम अंडर व्हिच अ कंपनी ग्रांट्स SAR टू एम्प्लॉइज. मतलब अगर स्टॉक एप्रिसिएशन स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस स्वेट इक्विटी शेयर्स इज डिफाइंड इन सबसेक्शन 88 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट. शेड्यूल. शेड्यूल मींस अ शेड्यूल नेक्स्ट टू दिस रेगुलेशन. ट्रस्ट. Trust means a trust established in the provisions of the Indian Trust Act 1882, including any statutory modification or reenactment, therefore, for implementing any of the schemes covered by this. So, jo bhi trust aap bana rahe ho, that should be as per ITA registered trust. Trustee means the trustee of the trust. Valuer. Valuer means an independent chartered accountant or a merchant banker appointed to determine the valuation of know-how or intellectual property rights or value addition. Ye sweat equity ke case mein aata hai. Haan ji. वेस्टिंग. वैल्यूएशन तो सही ESOP के केस में भी आएगा. अभी हम लिस्टेड की बात कर रहे हैं तो लिस्टेड में वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना. वेस्टिंग मींस द प्रोसेस बाय व्हिच ना, क्योंकि लिस्टेड का वैल्यूएशन रेट नहीं था लेकिन लिस्टेड के केस में तो लिस्टेड में मार्केट प्राइस के हिसाब से हो जाता है. Vesting means the process by which the employee becomes entitled to receive the benefit of a grant made to him or under any of the schemes. Vesting period means the period during which the vesting of option SAR or a benefit granted under any of the schemes takes place. समझा दो दोनों, vesting और vesting period. मतलब जब employee entitled हो जाता है options को shares में convert करने के लिए और या फिर अपना जो भी उसको grant मिला है ESPS के purpose से अगर देखें तो उसको मतलब उस वो जब उसमें vest हो जाता है basically when he becomes entitled to a stake in the company then it is vesting. Investing period basically क्या है कि वो time period during which ये vesting, जैसे अगर मान लो आज हमने options दिए हैं और एक साल बाद vest होंगे, that is a vesting period. ठीक है, एक साल हो गया, उस केस में vesting period one year हो गया. One year हो गया. ठीक है, तो ये basic version expression. हाँ, ये सब जानने लगी कहाँ कहाँ लिखा हुआ. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले ये क्यों बने ये पढ़ा, applicability पढ़ा, किन कंपनियों को applicable है. फिर हमने डेफिनेशंस पढ़ी, मेजर डेफिनेशन जो थी एम्प्लॉइज की थी और बाकी जो इसकी टर्म्स थी जो हम ब्रॉड में हम कल पढ़ चुके थे.
राइट सर. तो हमने जो डेफिनेशन उधर रखी है, इम्पोर्टेंट क्या डेफिनेशन निकली, मार्केट प्राइस निकला और एम्प्लॉय निकला, राइट? यस. मेजर ये दो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट थी और एप्लीकेबिलिटी इम्पोर्टेंट थी, किसको एप्लीकेबल होगा. अब प्रोविजंस पे आ गए कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है. इम्प्लीमेंटेशन सबको एप्लीकेबल है, सबके ऊपर. Implementation of schemes through trust. A company may implement a scheme either directly or by setting up an irrevocable trust, provided that if the scheme is to be implemented through a trust, the same has to be decided upfront at the time of taking approval of the shareholders for setting up the scheme. Provided further that if prevailing circumstances so warrant, the company may change the mode of implementation of the scheme, subject to the condition that a fresh approval of the shareholders by special resolution is obtained prior to implementing such a change, and that such a change is not prejudicial to the interests of the employees. Provided further that if the scheme involves secondary acquisition or gift of both, then it shall be mandatory for the company to implement that scheme through a trust. Okay. Now, regulation is 3.1. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. अब हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है स्कीम्स का. अब एक्चुअल प्रोविजंस आ रहे हैं जो आपको लगेंगे. जब भी आपके पास कोई प्रपोजल आएगा कि आपको ये सब स्कीम करनी है तो ये सब ध्यान देना है. सबसे पहले वो बोल रहे हैं, एग्जांपल में पकड़ देता हूँ, एक एक करके ऊपर ले लेंगे टेबल. राइट मूव को अगर ईसॉप करनी है, इम्प्लीमेंट ईसॉप स्कीम, तो दो तरीके हैं, बाय राइट मूव, बाय या फिर कोई ट्रस्ट. ट्रस्ट अगर ट्रस्ट है तो क्या कंडीशन है, रजिस्टर एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट होनी चाहिए एंड इरिवोकेबल होनी चाहिए. यस सर. और फिर ये जो डिसीजन है टू बी टेकन अप फ्रंट एट द टाइम इम्प्लीमेंटेशन ही लेना है कि आप कंपनी से करोगे कि ट्रस्ट से करोगे, शेयरहोल्डर्स की अप्रूवल के टाइम पे. At the time of shareholder approval. तो उसके रेजोल्यूशन में आपको क्लियर बताना है कि आप खुद करने वाले हो कि ट्रस्ट के थ्रू करने वाले. तो ये पैराग्राफ क्लियर हुआ. If the scheme is to be implemented, you have to take it this. हाँ जी. फिर क्या बोल रहे हैं? Provided further that if prevailing circumstances so warrant, the company may change the mode of implementation of the scheme, subject to the condition that a fresh approval of the shareholders. To company. Or to trust. Or trust. करने के लिए क्या चाहिए, क्या कंडीशन है? फर्स्ट प्रायर शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए. हाँ जी सर. और ये चेंज नॉट प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज ठीक है. अब राइट मूव बार्ड है इफ स्कीम इन्वॉल्व्स शेयर्स सेकेंडरी मार्केट और गिफ्ट और बोथ. दैट मींस उस केस में आपको ट्रस्ट के थ्रू ही करना है. हाँ जी सर. ओके तो क्या क्या हो गया हमारा, कोई पैराग्राफ हमने मिस नहीं किया ना? नहीं. तो ये 4.1 क्या बोल रहा है, 3.1 एक लाइन में अगर आप समझाओ मेरे को. तो अपने आप कर सकता है कंपनी या फिर ट्रस्ट के थ्रू कर सकता है.
बट अगर ट्रस्ट के थ्रू करना है तो वो हम जब अप्रूवल ले रहे हैं शेयर होल्डर से, जिस टाइम पे शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास हो रहा है उसी टाइम पे वो चीज डिसाइड करनी पड़ेगी. अगर हमें चेंज करना है तो हमें फ्रेश अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स लेना पड़ेगा. मतलब अगर हमें ट्रस्ट से कंपनी या कंपनी से ट्रस्ट पे जाना है, स्पेशल रेजोल्यूशन से हमें शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेना पड़ेगा. और वो जो भी चेंज है दैट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज. और अगर सेकेंडरी एक्विजिशन और गिफ्ट इन्वॉल्व है तो फिर ये कंपलसरी है कि हम ट्रस्ट के थ्रू ही इसे इंप्लीमेंट करें. लिस्टेड कंपनी में जब किसी स्टॉक ऑप्शन स्कीम में ये बोला जाता है कि शेयर्स जो है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो हम कंपनी अलॉट ना करके वो स्टॉक मार्केट से खरीदेंगे या ट्रस्ट को गिफ्ट किए जाएंगे, तब वो हर केस में ट्रस्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होगी, तब कंपनी उसको नहीं कर सकती. कंपनी करने का मतलब कि कंपनसेशन कमिटी के पास वो राइट आएगा. राइट सर. और ट्रस्ट करने का मतलब ट्रस्टी डिसीजन लेंगे ट्रस्ट अपनी मीटिंग में. आगे अ कंपनी में इंप्लीमेंट सेवरल स्कीम्स एज परमिटेड अंडर दिस रेगुलेशंस थ्रू अ सिंगल ट्रस्ट. Provided that such single trust shall keep and maintain proper books of accounts, records and documents for each scheme, so as to explain its transactions and to disclose at any point of time the financial position of each scheme and in particular give a true and fair view of the state of affairs of each scheme. अब ये कैसे है? अभी आपको कंपनी ने तीन स्कीम बनाई, ईसोप, वर्कर स्कीम, ईसोप स्टाफ स्कीम, बेनिफिट स्कीम, ईसोप टॉप मैनेजमेंट स्कीम. अब अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे तीन ट्रस्ट बनानी पड़ जाएंगी, ट्रस्ट वन, ट्रस्ट टू, ट्रस्ट थ्री. तो लॉ कह रहा है कि जरूर नहीं है एक टीयर वन ही ये थ्री स्कीम्स एक ही स्कीम के थ्रू मैनेज कर सकता है. प्रोवाइडेड कंडीशंस क्या है? क्या-क्या कंडीशंस है? प्रॉपर बुक्स शैल कीप एंड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, सेपरेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट. यस सर. जिस किस लिए? ताकि हम डिस्क्लोज कर सके कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच स्कीम. हां जी सर. एंड ट्रू एंड फेयर view of state of affairs of each scheme. तो ये कंडीशन अगर आपकी फुलफिल कर रही है तो एक ट्रस्ट भी मल्टीपल स्कीम को मैनेज कर सकती है. यस. क्लियर. थर्ड क्या है? The trust deed under which the trust is formed shall contain provisions as specified in Part A of Schedule 1 of these regulations, and such trust deed and any modifications thereto shall be mandatorily filed with the recognized stock exchanges in India where the shares of the company are listed. ठीक है, अब ये काम आपके पास आया तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा ट्रस्ट डीड बनाना. तो आपको ये पहला क्वेश्चन आएगा कि ट्रस्ट डीड बनाऊं कैसे. यही आएगा ना कि कैसे बनाऊं, क्या होना चाहिए उसके अंदर. यस सर. उसमें सबसे पहली चीज उसने ये बोल दी कि ट्रस्ट डीड अगर आपको बनानी है तो पार्ट ए ऑफ शेड्यूल वन के कंटेंट उसमें होने चाहिए. ट्रस्ट डीड कंटेंट. और क्या बोला? यस सर. ये जो है टू बी फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज. तो खाली इंटरनल बनाने के नहीं, आपको एक्सचेंज में भी सबमिट करनी है और मॉडिफिकेशन भी सबमिट करनी है. यही समरी है इस लाइन की. यस सर. फोर्थ में यस सर. ट्रस्टी कौन हो सकता है? एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट एक्सेप्ट इन केस वेयर सच पर्सन इज अ डायरेक्टर केएमपी और प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स ग्रुप कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर केएमपी और प्रमोटर और बेनिफिशियली होल्ड्स 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और द वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी. प्रोवाइडेड दैट वेयर इंडिविजुअल्स ऑफ वन पर्सन कंपनी एज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज अपॉइंटेड एज ट्रस्टी
there shall be a minimum of two such trustees, and in case a corporate entity is appointed as a trustee, then it may be the sole trustee. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? Example लेके लेते हैं. ट्रस्टी के केस में राइट वो के केस में जो ईस ऑफ ट्रस्ट बना रहे हैं, एनी एम्प्लॉय बना सकते हैं ट्रस्टी? यस सर. एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एक्सेप्ट, किसको नहीं बना सकते? डायरेक्टर को, केएमपी को, प्रमोटर को, किसका? कंपनी का, ग्रुप कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, और इनके देयर रिलेटिव. अगर कोई इस कैटेगरी में पढ़ रहा है तो दे कैन नॉट बी ट्रस्टी. यस सर. एनी एम्प्लॉई और अदर पर्सन, एम्प्लॉई नहीं लिखा हुआ, ध्यान देना वहां पे, एनी पर्सन लिखा हुआ. तो नॉन एम्प्लॉय भी ट्रस्टी हो सकता है. फिर उसने क्या बोला, अगर आप ओपीसी को ट्रस्टी बना रहे हो तो ओपीसी तो 1% कंपनी है ना, तो वहां पे मिनिमम 2 ट्रस्टी चाहिए. और अगर आपने सपोज आई कॉर्पोरेट एंटिटी को बनाया ट्रस्टी बाहर वाले को, लाइक आईडीबीआई ट्रस्टी, तो 1 ट्रस्टी इज सफिशिएंट. क्लियर इस सारे का क्रक्स? यस सर, यस सर, यस सर. बड़े आ गए. यस सर. ट्रस्टी, द ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट व्हिच इज गवर्न. सर एक मिनट, हम ये फॉर्मेशन थ्रू ट्रस्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि कंपनी के केस में तो कंपनसेशन कमिटी होगी. अच्छा, दो ही अगर हम ट्रस्ट के थ्रू करें. हाँ, दो ही तरीके हैं, या तो आप कंपनी के थ्रू करो. तो जब कंपनी के थ्रू कोई चीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो बोर्ड ने कंपनसेशन कमेटी बनाई जिसकी डायरेक्टरशिप इन्होंने बताई होगी आगे, बस उसके हिसाब से आपका काम हो जाएगा उसमें. और फिर वो बोर्ड को रिकमेंड हो जाएगा और खत्म हो जाएगा. लेकिन जब ट्रस्ट के थ्रू कर रहे हो तो वहां तो अभी कोई प्रोविजन नहीं है आपके पास, तो वही सब बता रहे हैं कि ट्रस्ट बना रहे हैं तो ट्रस्ट कैसे होनी चाहिए, कौन ट्रस्टी होना चाहिए. पुराने रेगुलेशंस में थे इस टाइप के प्रोविजंस? तो कंबाइन ही हुए, प्रोविजन सेम ही आ गए. अच्छा, ये हो गया चार नंबर. पांचवा क्या कह रहा है? The trustees of a trust which is governed under these regulations shall not vote in respect of the shares held by such trust so as to avoid any misuse arising out of exercising such voting rights. ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि trustee will not vote. हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक अलग कैटेगरी में दिखाते हैं, नॉन प्रमोटर, क्योंकि जब तक ये अलॉट नहीं हुए, ग्रांट नहीं हुए, ये किसी के भी नहीं है, ना प्रमोटर के, ना शेयर होल्डर के. राइट, इसके नो वोटिंग राइट एक्सरसाइज होता है पर एक्सरसाइज नहीं करेगा ट्रस्टी. यस सर. अब ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, अब ट्रस्टी का रोल क्या है? 6 पॉइंट. ट्रस्टी का, the trustee should ensure that the requisite approval from the shareholders has been obtained by the company in order to enable the trust to implement the scheme and undertake secondary acquisition for the purpose of the scheme. To ye kya bolega? Trustee, no voting rights. Second, to ensure shareholder approval. Excuse me. Implement karne ke liye. Yes, sir. Secondary acquisition ke liye. Kiski shareholder approval honi chahiye. ये था 6, 7 के. हेलो. हाँ, आ रही है आवाज? हाँ सर, ये हैंग हो गई क्या? हुआ क्या? हेलो. यस सर, द ट्रस्ट शैल नॉट डील इन डेरिवेटिव्स एंड शैल. हाँ सर. हाँ बोलो. सुन रहे आपको? हाँ. Trust shall not deal in derivatives and shall undertake only delivery based transaction for the purpose of secondary acquisition as permitted by these regulations. ठीक है, तो ये not to deal in derivatives like future and option only
डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये करोगे। हाँ, एट्थ, subject to the requirement of the companies act 2013 read with company share capital and debenture rules 2014 as amended from time to time as in the applicable the company may lend money to the trust in appropriate terms and conditions to acquire the shares either through new issue or secondary acquisition for the purpose of implementation of the scheme company usko paise de rahi required hai na because trust jo aapne banayi funding of trust kahan se sir aapki awaaz clear nahi aa rahi sir ek sir एक मिनट ना, अभी आ रही है? Yes, sir. अभी ट्रस्ट तो आपने बना दी, शेयर खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो कंपनी विल गिव लोन टू ट्रस्ट, किस लिए? टू एक्वायर इन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, क्लियर? नॉन कैश तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती ना इसको, अगर कंपनी भी अलॉट कर रही है ट्रस्ट को yes, तो भी प्रोफेशनल अलॉटमेंट के रूल के हिसाब से उसको पैसा आना चाहिए, राइट सर। आगे नाइन्थ, For the purpose of disclosures to the recognized stock exchange, the shareholding of the trust shall be shown as non-promoter and non-public shareholding. The shares held by the trust shall not form part of the public shareholding, which needs to be maintained at a minimum of 25% as prescribed under the Securities Contract Regulation Rules 1957. ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि क्योंकि जब तक ये शेयर ग्रांट नहीं होते किसी को, तो तब तक ये ट्रस्ट में रखे हुए शेयर्स हैं, तो इसके ऊपर कोई वोटिंग राइट नहीं, तो ना तो ये प्रमोटर के है ना पब्लिक के, तो इसलिए जब लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो उसमें तीसरी कैटेगरी है, नॉन प्रमोटर एंड नॉन पब्लिक। जल्दी आप प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर, प्रमोटर और पब्लिक को आप रिवर्स लेते हो ना, कोई अगर प्रमोटर नहीं हुआ तो पब्लिक हुआ, ये तीसरी कैटेगरी कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आ रही है ट्रस्ट की वजह से, जो नॉन प्रमोटर एंड दिस विल नॉट हैव वोटिंग राइट्स आल्सो, और मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग में ये शेयर काउंट नहीं होंगे। ओके सर, ठीक है, बिकॉज़ ये तो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है, ट्रांजिशनल रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ ट्रस्ट में होल्ड कर रहे हैं, जब एक बार ट्रांसफर हो गए तो पब्लिक के पास गए तो पब्लिक में आएंगे। यस, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर्स टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द शेयर होल्डिंग ऑफ, ये तो हो गया था नॉन प्रमोटर। हां, सेकेंडरी एक्विजिशन इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय द ट्रस्ट शैल नॉट एक्सीड 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब ये लाइन ले लो, अब ये कहां है, हम रिस्ट्रिक्शंस कल पढ़ी थी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती है, तो अब ये रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, क्या रिस्ट्रिक्शंस आ रही है कि ट्रस्ट जो है स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से कितना नहीं ले सकती। अगर सपोज कंपनी की पेड अप कैप 1,00,000 शेयर है, तो FY 22, FY 23 में वो मार्केट से कितने शेयर खरीद सकती है मैक्सिमम स्टाफ को ईसोप में देने के लिए? भाई एक मिनट, एक और साल ले लो, FY19, ये पेड अप कैपिटल आपकी इसमें थी 2021 में, 31 मार्च को ये इतने शेयर थे आपके पास। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, secondary acquisition venture by trust shall not exceed 2% of the paid up equity capital of the company as at the end of the previous, abhi 1 lakh hai na sir, 1 lakh ka 2% 20,000 so maximum kitne share le sakti hai market se? 2000 एक साल में 2000 ले सकती है। यही मतलब हुआ ना? Yes sir. फिर 11, the total number of shares under secondary acquisition held by the trust shall at no point of time exceed the below mentioned limits
as a percentage of the paid up equity capital of the company as at the end of the financial year immediately prior to the year in which the shareholders' approval is obtained for such secondary acquisition. अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप सपोज 22-23 के एंड पे आपके पास कितने शेयर हो गए, 4000 शेयर्स हो गए, ठीक है, अभी FY 23-24 में कितने शेयर हो जाएंगे, फिर 2000 शेयर ले लिए तो 6000 शेयर्स हो गए, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो कोई लिमिट है इस पे नहीं, तो रिस्ट्रिक्शन वो लोग क्या डाल रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर अंडर सेकेंडरी, ये जो टोटल नंबर है, ये जो टोटल वाले नंबर है, शेल नो पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे नहीं बढ़ेंगे, किससे, एज ए परसेंटेज ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर prior to year new share obtained. अब यहाँ पे दो parameters हैं. सबसे पहले आपने shareholder की approval कब ली? Suppose आपने अगस्त 2021 में ली. ये कौन सा financial year हो गया? 21-22. ये 21-22. So इससे पिछले financial year के end पे, जो कि था financial year 20-21, आपके shares थे 1 lakh. तो अब इस ये दो पैरामीटर के बेस पे उसने क्या बोला कि ये जो परसेंटेजेस दिए हम लोगों ने, पार्ट ए बी सी में कौन सी स्कीम थी, पार्ट ए बी एंड सी याद है, ईसोप, ईएसपीएस और एसएआर, इसके अंदर मैक्सिमम कितना, 5%, 5% ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर्स प्रायर टू द डेट ऑफ शेयरहोल्डर अप्रूवल, तो 1 lakh शेयर का 5% कितना हुआ, 5000. तो इसका मतलब ये जो अभी डाटा आपने ऊपर बनाया, कहाँ तक हम कंप्लायंट और कहाँ पे हम नॉन कंप्लायंट हो गए, 21-22 में कंप्लायंट है, लेस देन 5% है, यस सर, 22-23 में, 22-23 में भी कंप्लायंट है, लेस देन 5% है, नहीं उसमें नहीं कंप्लायंट, तो हमारे पास 5000 यहां एक्सेस हो रहा है, 5000 तो 1000 एक्सेस हो रहा है, तो मैक्सिमम आप 23-24 में कितने शेयर ले सकते थे मार्केट से, 1000, तो ये उस टेबल का मतलब है, और जब हम टेबल दिखाएंगे एक बार, 5% अच्छा फॉर द स्कीम्स एनुमेरेट, अच्छा ठीक है, पार्ट डी और पार्ट ई वाली कौन सी है अभी, ओ जी बी और आएंगे, हां आई ना, पार्ट बी सी डी और ई कौन सी थी, जनरल बेनिफिट स्कीम, अच्छा अच्छा वो जो ऊपर ऊपर वाले सीरियल नंबर से और रिटायरमेंट बेनिफिट, इनमें कितनी लिमिट है, 2%, तो यहां पे आप कब हो गए, 2000 शेयर्स पे ही रुक गए आप, तो हाँ, पहले साल में बस सेकेंडरी मार्केट से मैक्सिमम जो होल्डिंग आप इकट्ठी कर सकते हो, सेकेंडरी मार्केट से, प्राइमरी में मना नहीं है, सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है, कि स्टॉक एक्सचेंज से मैक्सिमम कितने शेयर खरीद सकती है इसकी ट्रस्ट, 2000. अब अगर राइट मूव के पास दोनों ही स्कीम हो तो ईसोप भी है और जीबीपी भी है, जीबीएस भी है, तो फॉर ऑल स्कीम इन एग्रीगेट 5%. तो इसका मतलब अगर दोनों स्कीम है तो दोनों शेयर्स का कॉम्बिनेशन करके 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्लियर है ये टेबल, अभी तो रेगुलेशन को पढ़ लो, 2 मिनट में समझ आएगा आपको, 11 पढ़ लो. The total number of shares under secondary acquisition held by the trust shall at no point of time exceed the below mentioned limits as a percentage of the paid up equity capital of the company as at the end of the financial year immediately prior to the year in which the shareholders' approval is obtained for such secondary acquisition. ठीक है, the schemes enumerated in part A, B, C, part C of chapter 3 of these regulations 5%. The schemes enumerated in part D or part E of chapter 3 of these regulations 2%. For all the schemes in aggregate 5%. मतलब कि अगर हमने A, B, C में 5% कर लिया तो अलग से 2% हम दिए नहीं ले सकेंगे. हाँ. एक्सप्लेनेशन क्या है,
The above limit shall automatically include within their ambit the expanded or reduced capital of the company where such expansion or reduction has taken place on account of corporate actions, including issue of bonus share, split, right issue, buyback or scheme of arrangement. अभी ये जो capital थी उस time की capital थी, अगर आपने bonus issue कर दिया, तो automatically वो capital भी आपको double कर देनी है. Right, sir. Explanation 2. If a company has multiple trusts and schemes, the aforesaid ceiling limit shall be applicable for all such trusts and schemes taken together at the company level, not at the level of individual trust or scheme. तो ये कह रहा है अगर आपने ESOP scheme 1, ESOP scheme 2, ESOP scheme 3 बनाई, तो हर एक के पास ये 5-5% की limit नहीं है कि 15% share acquire करोगे. हाँ जी. सबका मिला के 5% होगा. हाँ वो तो लिखा ही है ऊपर. नहीं नहीं वो तो अलग टाइप की, वो टाइप ऑफ स्कीम थी. अगर एक ही टाइप की 3-4 स्कीम्स हैं, अच्छा तो भी 5% मतलब 5% इज द ओवरऑल लिमिट. अब यहां से रिस्ट्रिक्शन, अब आप समझो सेकेंडरी मार्केट में ये होल्डिंग की लिमिट है, एक्विजिशन की लिमिट नहीं है. दो दो लिमिट्स आई देखो उसमें. पहले चीज बोला साल में आप 2% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की कैपिटल से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते, पहली लिमिट. फिर ये जो 2-2% आप खरीद रहे हो, ये मैक्सिमम कितना जा सकते हो? मैक्सिमम 5% तक जा सकते हो और जनरल स्कीम में 2% तक जा सकते हो. लेकिन अक्रॉस ऑल स्कीम, अक्रॉस ऑल थिंग, मैक्सिमम आपके पास 5% ही हो सकती है. राइट सर. फॉर सेकेंडरी एक्विजिशन, तो अगर एक एक ट्रस्ट के पास 10,000 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से और कंपनी की कैपिटल 1,00,000 थी, तो मैक्सिमम जो मार्केट से खरीद सकते हैं वो 5,000, बैलेंस उसको कंपनी से प्राइमरी अलॉटमेंट या प्रमोटर से गिफ्ट ही लेना पड़ेगा. ओके सर. अब गिफ्ट के लिए तो ऐसा कुछ लिखा भी था ना, तो सिर्फ ट्रस्ट के थ्रू ही करना पड़ता है. दबाव सीलिंग नॉट एप्लीकेबल टू वेयर शेयर्स आर अलॉटेड टू द ट्रस्ट बाय वे ऑफ अ न्यू इशू और गिफ्ट फ्रॉम प्रमोटर प्रमोटर टू फादर. हां जो आपने अभी बोला कि फिर गिफ्ट ही लेना. In the event that the option shares or the stock appreciation rights granted in the any of the schemes exceeds the number of shares that the trust may acquire through secondary acquisition, then such shortfall of shares shall be made up by the company through new issue of shares to the trust in accordance with the provisions of new issue of shares under the applicable laws. फिर उसका रेशियो बिठाने के लिए उसे न्यू इशू. हाँ मतलब आप मार्केट से नहीं ले सकते. क्लियर है एक्सप्लेनेशन? यस सर. तो अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार इसको पहले वो नहीं कर दें. हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले आपने पढ़ा कि आप ट्रस्ट के थ्रू या खुद कर सकती हो. यस, जो आपको ऑपरेंट डिसाइड करना है. फिर आपको शेयर होल्डर की रेजोल्यूशन अगर चेंज करना है तो शेयर होल्डर की रेजोल्यूशन लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर आप सेकेंडरी इक्विजिशन इन्वॉल्वड है तो आपको ट्रस्ट के थ्रू ही जाना है इस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. यस सर. फिर उसके बाद आप सेवरल स्कीम्स भी बना सकते हो. एक ट्रस्ट जो है सेवरल स्कीम मैनेज कर सकता है, लेकिन सबकी अकाउंटिंग अलग अलग करनी चाहिए. यस सर. ठीक है, ट्रस्ट डीड जो है वो उसके जो स्पेसिफाइड पर्टिकुलर है वो सब उसके अंदर होना चाहिए. और वो स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करना है और कोई मॉडिफिकेशन भी फाइल करना है. कोई भी आदमी इसका ट्रस्टी हो सकता है. डायरेक्टर, KMP, प्रमोटर, उनके रिलेटिव छोड़ के, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी एसोसिएटेड के उनको छोड़ के. Yes, sir. या फिर वो 1% कंपनी हो तो. नहीं नहीं, बीच में 10% से ज्यादा अगर कोई पर्सन होल्ड करता है वो भी ट्रस्टी नहीं हो सकता. Yes, sir. 1% कंपनी के केस में 2 ट्रस्टी, कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में 1 ट्रस्टी. Yes, sir. फिर ट्रस्टी जो है वो वोट नहीं करेगा उन शेयर्स पे. वो एंश्योर करेगा कि शेयर होल्डर से प्रॉपर अप्रूवल आई हुई है स्कीम इम्प्लीमेंट करने की और सेकेंडरी एक्विजिशन करने की, तो ये रेजोल्यूशन लगना चाहिए. Yes. फिर वो डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं करेगा ट्रस्टी. फिर कंपनी इस ट्रस्ट को लोन दे सकती है. Yes, sir. फिर ये जो शेयर है वो नॉन प्रमोटर, नॉन पब्लिक माने जाएंगे. हाँ, वो तो है. विदाउट वोटिंग राइट. स्टॉक मार्केट से 2% से ज्यादा सॉरी आप नहीं ले सकते. एक राइट सर. फिर ये जो 2-2% इकट्ठे कर रहे हैं मैक्सिमम 5% वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. उससे ज्यादा करना है तो गिफ्ट ही करना पड़ेगा. गिफ्ट या न्यू इशू के थ्रू लेने का आपको. मल्टीपल ट्रस्ट भी है तो भी 5% ही मैक्सिमम लिमिट है सेकेंडरी मार्केट की. अगर आपको ग्रांट ज्यादा की होगी, शेयर्स कम ले सकते हो, तो स्टिल आपको बैलेंस न्यू इशू के थ्रू ही लेना है. यस सर. यहां तक क्लियर है? यस सर. एक का 12th पढ़ दो. The unappropriated inventory of shares which are not backed by grants acquired through secondary acquisition
Inventory of shares tenured back by grants acquired through by the trust in the Part A, Part B, or Part C of Chapter 3 of this regulation shall be appropriated within a reasonable period which shall not extend beyond the end of the subsequent financial year or the second subsequent financial year, subject to approval of the Compensation Committee, Nomination and Remuneration Committee for such extension to the second subsequent financial year. ये क्या कह रहा है? अभी आप समझो. आपने यहाँ पे shares खरीदे. ये 2000 shares आपको 2022-23 तक grant कर देना है. और अगर आप यहाँ तक ले जाना चाहते हो 23-24 तक, तो कंपनसेशन कमिटी की अप्रूवल लगेगी. इसके आगे आप नहीं ले जा सकते, इम्प्लॉय के हाथ में दे देने के. समझे क्या? यस सर. इस कंटेक्स्ट में इसको देखो अभी एक बार. अनअप्रोप्रिएट मतलब क्या हो गया? जो शेयर्स पड़े हैं लेकिन जिसके पीछे ग्रांट नहीं है. यस सर. अगर 5000 शेयर्स है और कंपनी ने अभी 3000 की ग्रांट की है, तो 2000 शेयर्स किसके हैं? तो वो जो ग्रांट है वो इस साल नहीं तो मैं लेट टू लेट, मतलब अगले साल या उससे अगले साल में आपको कवर करना है. सर एक बार फिर से बताएंगे. एक बार आप पढ़ो पहले. द अनअप्रोप्रिएट इन्वेंटरी वाला है ना. The unappropriated inventory of shares which are not backed by grants acquired through secondary acquisition by the trust under Part A, B or C of Chapter 3 of these regulations shall be appropriated within a reasonable period which shall not extend beyond the end of the subsequent financial year or the second subsequent financial year, subject to approval of the Compensation Committee, Nomination and Remuneration Committee for such extension to the second subsequent financial year. अब इसका कैसा कंसेप्ट है? जब आपने 2000 शेयर एक्वायर किए, तो ये 2000 शेयर आपने क्यों एक्वायर किए? क्योंकि आपको एम्प्लॉइज को देने थे, राइट सर, एज ए ईएसपीएस या एज ए उनकी ऑप्शन की एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में. अगर कंपनी ने ग्रांट लेटर अभी 1000 का इशू किया, तो 1000 शेयर आपके पास अनअप्रोप्रिएटेड है, उस पर किसी का नाम नहीं है. तो वो कह रहे हैं कि आपको वो जो अप्रोप्रिएशन है लेट टू लेट अगले साल के एंड तक कर देना है. तो कंपनसेशन कमिटी या जो भी ट्रस्ट है वो उसको अगले एक साल तक ग्रांट कर देना है. उसके पीछे अगर नहीं कर पाती है ग्रांट, तो लेट टू लेट उससे एक साल बाद कर सकती है, लेकिन कंपनसेशन कमिटी की अप्रूवल लेके. तो ट्रस्ट प्रपोजल डालेगी कंपनसेशन कमिटी को कि हमने 2000 शेयर एक्वायर किए थे, अभी तक 1000 ही ग्रांट हुए हैं, और हम इसलिए अभी 1000 और करने हैं, लेकिन हम इस साल में नहीं कर पाएंगे आने वाले साल में, तो आप हमको परमिशन दो कि हम उससे अगले साल तक हम उसको दे दें. क्लियर है? ठीक है सर. हाँ. The trust shall be required to hold the shares acquired through secondary acquisition for a minimum period of 6 months, except where they are required to be transferred in the circumstances enumerated in clause B of sub-regulation 14, whether off market or on the platform of recognized stock exchange. 6 महीने तक hold कर सकता है. छह hold नहीं करना ही है. तो 6 महीने के अंदर आप किसी के नाम पे transfer नहीं कर रहे. Except for the circumstances mentioned in 14. ठीक है, 14 भी ये अभी नीचे आ रहा है. The trust shall be permitted to undertake off-market transfer of shares only under the following circumstances: transfer to the employees pursuant to scheme while participating in an open offer under the Securities and Exchange Code of India Regulations 2011, or while participating in a buyback, delisting, or any other exit offered by the company generally to its shareholders. तो अगर सपोज कभी भी ड्यू हो रहा है, तो ट्रस्ट को मिनिमम 6 महीना पहले शेयर लेके रखने पड़ेंगे. यस सर. तभी वो एम्प्लॉय को दे पाएगी और कंडीशन फुलफिल कर पाएगी. यस सर. तो मतलब 6 महीना इन एडवांस उसको शेयर लेके रखना है अगर एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना है. लेकिन अगर उसको ओपन ऑफर वो करना है, तो वहां पे वो 6 महीने की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है. ओके सर. क्लियर है ना? 14. Yes, sir. ऊपर से तो नहीं जा रहा आप सर? अभी तक तो जा रहे हैं हम. अब वैसे बन ही मतलब 2 o'clock होने वाले हैं. हाँ, करते ना अभी खत्म ये वाला. 15. The trust shall not become a mechanism for trading in shares and hence shall not sell the shares in secondary market except under the following circumstances: to enable the employee to fund the payment of the exercise price, the amount necessary to meet his or tax obligations and other related expenses pursuant to exercise of options granted under the employee stock option scheme,
on vesting or exercise, as the case may be, of stock appreciation right under the scheme covered by Part C of Chapter 3. पहले केस में अगर सपोज ये फंडिंग जो है कंपनी कर रही है तो ट्रस्ट क्या करेगी, जितना पैसा देना है उतने ही शेयर बेच देगी एम्प्लॉय के हिस्से के, और पैसा ले लेगी और बचे हुए शेयर उसको दे देगी. राइट सर. दूसरे केस में मतलब इन सर्कमस्टेंसेस के अलावा वो ट्रेडिंग नहीं कर सकती. हाँ, वो मार्केट में नहीं बेच सकती. बी में वेस्टिंग में एसआर में जो पैसा देना है उसके लिए इमरजेंसी में कौन से बेच देगी? एक तो वो एम्प्लॉय ले रहा है. नहीं, ले रहा है ना, तो अभी कैसा है, एम्प्लॉय को पैसा देगा तभी मिलेंगे ना उसको. हाँ, तो एम्प्लॉय बोलता है मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे उतने हिस्से के शेयर आप बेच दो और आप रख लो पैसा. बेच दो. अच्छा. तो एक तरह से फिर होल्डिंग तो मिली नहीं एम्प्लॉय को. नहीं नहीं, बचा प्रॉफिट तो मिलेगा ना. अच्छा अच्छा. अगर 100 शेयर हैं तो 100 शेयर लेने के लिए उसको अगर 1,000 रुपए देना है तो वो कहेगा मेरे 10 शेयर बेच के आप 1,000 रुपए कवर कर लो, मेरे को 90 शेयर दे दो. 90 शेयर दे दो, समझ गई. तो जो 10 बेचेगी उसका पैसा ट्रस्ट के अकाउंट में आ जाएगा और 90 शेयर उसको मिल जाएंगे. फिर ऑन वेस्टिंग और एक्सरसाइज एज द केस मे बी ऑफ एसआर अंडर द स्कीम कवर्ड बाय पार्ट सी ऑफ चैप्टर 3 ऑफ दिस रेगुलेशंस. एसआर में पैसा देना पड़ता है तो शेयर बेच के पैसा देगी. In case of emergency for implementing the schemes covered under Part D and Part T of Chapter 3 of these regulations, and for this purpose, the trustee shall record the reasons for such sale and money so realized on sale of such shares shall be utilized within a definite time period as stipulated in the scheme of trustee. वो तो वही है. हाँ, if it तो या retirement में अगर emergency हो तो जरूरत पड़ेगी तो आपको उतने share बेच के reason record करके देना है. Participation in buyback or open offers or delisting offers or any other exit offered by the company generally to its shareholders. If अगर जिस कंपनी ने ये ESOP स्कीम करी, अगर वही buyback की ऑफर ला रही है या ओपन ऑफर ला रही है या delisting कर रही है, तब इसको भी टेंडर करने पड़ेंगे. Yes. For repaying the loan, if the unappropriated inventory of shares held by the trust is not appropriated within the timeline as provided in the sub-regulation 12. अभी हमने पढ़ा दो subsequent year के अंदर उसको grant कर देनी है. अगर दो subsequent year में भी grant नहीं करती तो जितने भी share नहीं है grant के bag में वो बेच के loan वापस करो, क्योंकि इसको पैसा तो loan से ही मिला है. Yes. Winding up of the scheme. चल कोई ESOP खत्म हो गई, सारे share बेच दो market में और पैसा वापस कर दो. Based on approval granted by the board to an applicant for the reasons recorded in recorded in writing in respect of the schemes covered by Part A or B or C of Chapter 3 of these regulations upon payment of non-refundable fee of rupees 1 lakh to the board along with the 1 lakh rupees देके right कि हमको बेच दो शेयर, नहीं तो इनके अलावा बेच नहीं सकते. Yes sir. The trust shall be required to make disclosures and comply with the other requirements applicable to insiders or promoters under the Securities and Exchange Board of India, Prohibition of Insider Trading Regulations 2015, or any modification or re-enactment thereto. So, for the purpose of disclosure, इसको क्या treat कर रहे हैं? Trust को promoter. 10 lakh से ऊपर share बेचना है, तो आपको stock exchange को intimate करना है. हाँ जी. तो ये स्पेसिफिकली डीमिंग प्रोविजन है, अदरवाइज इसकी होल्डिंग को नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक में रखा हुआ है. एलिजिबिलिटी है, कंपनसेशन कमिटी है, शेयर होल्डर्स अप्रूवल है. देख रहा हूँ अभी कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से, एक सेशन हो जाएगा. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है. आगे वाले इजी लग रहे हैं प्रोविजंस आई थिंक, बिकॉज़ ट्रस्ट तो एकदम नया था. स्कीम इंप्लीमेंटेड है, कंप्लायंस एंड कंडीशन है, सर्टिफिकेट है, डिस्क्लोजर है, यही तक है जनरल. ठीक है, आई थिंक एक दो सेशन और जाएंगे इस पे 2 घंटे. ठीक है सर. ठीक है, आज के लिए क्लोज करते हैं. शाम को अगर टाइम लगा या करने का रहेगा रात को तो बताना. हाँ, रात को सर कर सकते हैं. हाँ, अगर 8 बजे के बाद कब? 9 बजे के बाद.